गुड मॉर्निंग क्लास के जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट। टेक दिस इज अ एक्टिविटी वर्कबुक, टेक आउट पेज नंबर 19 पेज नंबर निकालेंगे आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टू लर्न 1 to 20 इन ऑर्डर, है ना। ये वाला वर्क आप लोगों ने किया है एंड नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 20। व्हाट इज़ द टॉपिक? काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए इनको अलग अलग काउंट करना है और उसके सामने जो ये बॉक्स है उसमें हमें फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बलून्स को काउंट करते हैं। स्टार्ट विथ मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाउ मैनी बलून्स? 30 बलून्स। ओके, तो 30 कैसे लिखते हैं? 1, 3, 13। ओके, अब नाउ फ्लावर्स। हाउ मैनी फ्लावर्स? स्टार्ट विथ मी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाउ मैनी फ्लावर्स? 11। हाउ टू राइट? 1, 1, 11। नाउ नेक्स्ट इज फिशेस। लेट्स काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाउ मैनी फिशेस? 12। हाउ टू राइट? 1, 2, 12। ओके, एंड नाउ बोट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. How many boards? 19. How to write 19? 1, 9, 19. Okay? Next, turn your page. Count and write of, ये भी वही है, same है, object को count करना है. Start करते हैं. How many drums? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many drums? 16. 1, 6, 16. Okay. Now triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How to write 12? 1, 2, 12. Okay. And now balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many balls? 13. 1, 3, 13. Okay. And now again fishes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How many fishes? 15. 1, 5, 15. Okay? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है व्हाट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स। करें ये वाला टॉपिक, चलो पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है? बाद वाला नंबर लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर काउंटिंग लिख देते हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 और 20। मैंने 20 तक काउंटिंग यहाँ ऊपर लिखी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आफ्टर नंबर सर्च करना है। जैसे विच वन नंबर इज 4, अब देखो ये, देखो ये रहा 4, आफ्टर 4 सॉरी हाँ आफ्टर 4 क्या आएगा? 5, तो आंसर इज 5। ये इजी रहेगा आपको करने में, आपको ऐसे पता चल जाएगा 4 के बाद में 5 आया, ठीक है। अब क्या है, 6, ये रहा 6, आफ्टर 6 क्या आता है? 7 नंबर, तो ये हमारा आंसर 7।
ये इसलिए मैंने ऐसे टेबल बनाई है। देखो बेटा, काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो वो आसानी से इसको कर सकते हैं कि 6 के बाद 7 आ रहा है, लेकिन जो बच्चे वीक हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वो उनके लिए मैंने ये हेल्प बॉक्स बनाया है। वो बच्चे ये इस तरीके से काउंटिंग तो आपको लर्न होती है, लेकिन क्या होता है, आप जब बोलना चाहते हैं कि आफ्टर नंबर, तो आप लोग सोचते रह जाते हैं और बोल नहीं पाते हैं। तो अगर ये टेबल लिख लेते हो तो आपको ईजी वे में लिखना आ जाएगा। फिर देखो ये 9, तो हमने 9 को सर्च किया, आफ्टर 9 विच वन कम 10, ओके। जैसे आफ्टर 11, 11 ढूंढो, ये रहा 11, आफ्टर 11 1 2 12, आफ्टर 14 ये रहा आफ्टर 14 15 1 5 15, ये क्या है 10, दिस इज 10, आफ्टर 10 1 1 11। अब है 16, ये देखो ये रहा 16, आफ्टर 16 पीछे कुछ नहीं है, ये देखो पीछे नहीं है कुछ, 16 के बाद में आया 17, तो ये आ गया हमारा नंबर 17। अब है 1 2 12, ये रहा 12, आफ्टर 12 13, आफ्टर 7 ये देखो ये रहा 7, आफ्टर 7 8, अब है 13, ये देखो ये रहा 13, आफ्टर 13 14, ओके, और आफ्टर 8 ये देखो 8, आफ्टर 8 9, आफ्टर 15 16, और आफ्टर 19 ये देखो आफ्टर 19 20, आफ्टर 12, आफ्टर 12 13, एंड लास्ट आफ्टर 18 ये रहा आफ्टर 18 19। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरीके से आप लोग भी कंप्लीट कर लेना इसे, आज का टॉपिक यहाँ तक ही, ठीक है। हमने 3 पेज किए, 19 20 और 21, ओके। दिस इज़ योर बुक वर्क।